जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 मरले का घर जो कि जुबली टाउन ई ब्लॉक में है। इसका फ्रंट एलिवेशन देखें ज़रा कितना खूबसूरत है। फ्रंट एलिवेशन बहुत ऑनर ने खूबसूरत बनाया है। इसकी लोकेशन बहुत टॉप की है, साथ ही जो है इसके मेन है मेन मार्केट ये देखें ज़रा, ठीक है। और इस साइड से देखें अगर रोड तो ये भी मेन रोड आ जाती है, ठीक है। तो लोकेशन जो है इसकी टॉप की है, मेन की बैक पे घर बनता है। चलें इसके अंदर गैराज के अंदर एंटर होते हैं, घर के अंदर देखते हैं। तो ये सामने जो है वो गैराज है, गैराज में जो है मार्बल लगा हुआ है। इसमें बड़ी गाड़ी खड़ी की जा सकती है, गाड़ी की काफ़ी खुली स्पेस है। कार के साथ साथ जो है बाइक भी खड़ी की जा सकती हैं। ये सामने जो है ये एक सीढ़ियों को डोर जा रहा है, एक ये मेन एंट्रेंस है टीवी लाउंज की, और ये एक एंट्रेंस जो है ये है ड्राइंग रूम की। तो फर्स्ट हम टीवी लाउंज के अंदर एंटर होते हैं। टीवी लाउंज के अंदर एंटर हुए तो ये नीचे मार्बल है, ठीक है। ये सामने खूबसूरती के साथ जो है वो वुड वर्क किया गया है, वाइट कलर वुड के साथ, ठीक है। ये मेन डोर है, डोर की जो है वो मैं आपको क्वालिटी चेक करवा देता हूँ। ये काफ़ी खुले और जो है बड़ा डोर लगाया गया है, अच्छे जो है किस्म का डोर है। लॉक शॉक भी इसके जो हैं वो बड़े मतलब अच्छे किस्म के हैं। देखें ज़रा अगर मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, हाँ जी ये देखें ज़रा। और ऊपर ये सीलिंग वगैरह बड़ी खूबसूरती के साथ, और ये साथ इसके ड्राइंग रूम है, ओपन ड्राइंग रूम है। ये देखें नीचे सारे घर में मार्बल, बूटी सीना मार्बल लगाया गया है जो कि बड़ा अच्छी चीज़ है मार्बल। ये सामने जो है विंडो है, ऊपर सीलिंग, और ये सामने जो है ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। ये देखें बड़े डोर रखे गए हैं जो नॉर्मली छोटे ही होते हैं, लेकिन इसमें बड़े डोर रखे गए हैं। और ये जो अगर आपकी इसकी बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स की चेक करें क्वालिटी, तो बोर्ड की क्वालिटी भी अच्छी है। ये देखें ज़रा ब्राउन कलर के साथ बहुत अच्छा शेड दिया गया, जो नॉर्मली जो आज कल यूज़ हो रहे हैं वही यूज़ किए गए हैं। नीचे एक बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं तो ये सामने देखें नीचे मार्बल, ये सामने वुडवर्क, ठीक है। वुडवर्क ज़रा अच्छा खूबसूरती के साथ वुडवर्क किया गया है। ऊपर सीलिंग मैं दिखा देता हूँ आपको, सीलिंग देखते हैं। तो इसकी जो है वुडवर्क की जो स्पेस है अंदर से, ये देखिए ज़रा कितना खुला है। ऊपर भी काफ़ी बड़े जो है ना ये बनाए गए हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चूज़ किया गया है। यहाँ पर कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं आप अपने। इसके साथ जो है वॉशरूम है, वॉशरूम में एंटर होते हैं। वॉशरूम का जो है कम्बोर्ड लगा हुआ है, WC लगा हुआ है, दोनों चीज़ें लगी हुई हैं जो कि अच्छी चीज़ है। जो सामने जो है वो टाइल्स वगैरह लगी हुई, साथ ओपन है डोर है। अच्छा ये किचन है, किचन में एंटर होते हैं तो देखिए खुला बड़ा जो है वो स्पेशियस किचन है, बहुत खुला किचन है, ठीक है। ये किचन में वाइट और रेड कलर की जो है वो वुडवर्क किया गया है जो कि बड़ा देखें कितना खूबसूरत है। ऊपर सीलिंग देखें माशाल्लाह, किचन इसका जो है वो काफ़ी खुला है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो सिंक लगा हुआ है, सिंक, और ये जो है ये इधर स्पेस है ये चूल्हे की। अगर इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको तो ये देखें ज़रा CPG वगैरह किसी किस्म की कोई CPG वगैरह नहीं है, साफ़ सुथरे कबर्ड्स हैं। ऊपर भी मैं अगर दिखाता हूँ तो ये देखें ज़रा काफ़ी खुली स्पेस है। वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चूज़ किया गया। ये पीछे लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री में देखें ज़रा खुली स्पेस है इसमें, ओपन, ऊपर से बंद है। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये डोर है लॉन्ड्री के लिए, इसको आप बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर देंगे। अच्छा ये स्टोर है,
जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। घरों में मोस्टली स्टोर की ज़रूरत होती है, तो ये एक जो है ना वो स्टोर बनाया गया है सीढ़ियों के नीचे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, इधर से हम अब जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, तो ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर, इसमें भी बूटी सीना मार्बल लगाया गया है, खुली बड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, सामान वगैरह इजीली जो है ना वो ऊपर जा सकता है। ये सामने जो है वो टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज खुला बड़ा टीवी लाउंज है, ऊपर सीलिंग वगैरह की गई है खूबसूरती के साथ। ठीक है, अब ऊपर 3 बेडरूम है, पहले फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं, तो ये देखें ज़रा ये बेडरूम, नीचे मार्बल है, पूरे घर में मार्बल लगाया गया है, बहुत शाइन मार्बल है, अच्छा किस्म का मार्बल लगाया गया है। ये सामने ऊपर सीलिंग वगैरह बड़ी खूबसूरती के साथ सीलिंग की गई है, और बाकी ये कबर्ड्स हैं, कैबिनेट्स वगैरह देखें ज़रा इसकी, इसको मैं दिखा चुका हूँ पहले भी, बाकी इसको अंदर से मज़ीद देख लेते हैं। ये देखें ज़रा खुली अच्छी चीज़ है ये, अटैच वाशरूम, और ये जो है ओपन एयर के लिए जो विंडो वगैरह है, तो इसको साथ ही ये वॉशरूम है, वॉशरूम में जो है कम्बोर्ड लगा गया है। अभी जो है इसके वॉशरूम के अंदर चीज़ें वगैरह लगने वाली हैं, नल वगैरह लगने वाले, वो लगवा के देंगे। ये सामने 2 बेडरूम हैं, उसके बाद ये सेकंड बेडरूम में एंटर होते हैं। ठीक है, ये सामने विंडो है, और ये वॉशरूम है, ये कबर्ड्स हैं जैसे पहले बेडरूम में बने हुए हैं, ऊपर सीलिंग जैसे पहले बेडरूम में बनी हुई है। वॉशरूम देखें, वॉशरूम के अंदर ये WC है, टाइल्स वगैरह वॉशरूम की बहुत खूबसूरती के साथ जो लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहे हैं वही चल रहे हैं, बाकी जो वॉशरूम के अंदर काम शाम है वो हो जाएगा, वो इतना इशू नहीं है। अब थर्ड बेडरूम में एंटर होते हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरह ही मार्बल और ऊपर सीलिंग, और ये साथ कैबिनेट्स उसी तरह अच्छे और बड़े, खाली खुली स्पेस है। ये देखें ज़रा ये दराज वगैरह, दराज में भी काफ़ी स्पेस है, मतलब अच्छा घर ओवरऑल बनाया गया अगर देखा जाए तो। तो ये साथ वॉशरूम, वॉशरूम के अंदर कमोड है, टाइल्स लेटेस्ट डिज़ाइन की, ऊपर सीलिंग वगैरह ठीक है, सब कुछ अच्छा। ये वॉशरूम के दरवाज़े, ये वॉशरूम के सारे दरवाज़े इसी डिज़ाइन के लगाए गए हैं अगर देखते हैं तो। इसका जो है मैं अच्छे किस्म की ये भी जो है लॉक दिखाए गए, ये देखिए। उसके बाद जो है वो किचन में एंटर होते हैं, ऊपर 3 बेडरूम प्लस किचन है, और ओपन किचन नहीं है, बंद किचन है, जो कि अच्छी चीज़ है। ये देखें ज़रा ये किचन उसी तरह वाइट और रेड के साथ जो है कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया है। ये ऊपर जो है वो सीलिंग वगैरह, ये डोर है, इसको आप किचन को सेपरेट भी कर सकते हैं डोर वगैरह बंद करके, ओपन एरिया है। ये ओपन एरिया देखें, ये एक छोटा सा ओपन एरिया है स्पेस वगैरह। अभी हम जो है वो सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, ये देखें ज़रा इसकी जो ग्रिल है, ये एल्युमिनियम की बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ जो है वो लगाई गई है। सामने बिजली का जो है वो एक सेपरेट किया गया है अच्छा लगा के, बोर्ड वगैरह। ये ऊपर चलें तो ये सेकंड फ्लोर पे चले हैं, ये सामने जो है वो है ममटी, ममटी देखें, और ये सामने बेडरूम, बेडरूम का डोर, ये 5th बेडरूम है, 5 बेड का घर है ये टोटल। ये यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी है, कबर्ड्स प्रॉपर बनाए गए हैं, मोस्टली ऊपर वाले बेडरूम में जो है वो कम ही बनाए जाते हैं, ये साथ अटैच वाशरूम, WC है इसमें, और सीलिंग वगैरह इसमें भी सीलिंग हुई है। नॉर्मली ये बेडरूम जो होता है 5th बेडरूम, ये जो है वो इतना अच्छा नहीं बनाया जाता, नॉर्मली बनाया जाता है, लेकिन ये माशाल्लाह बेडरूम ये भी अच्छा है। ये सामने जो है वो
हम चलते हैं छत पे जाने के लिए है ये। माशाल्लाह छत पे भी जो है ना वो ओनर ने हमें मार्बल लगवाया हुआ है, जो कि खुली बड़ी छत है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत साफ़ सुथरा घर बनाया गया, ये देखें सारी खुली छत। ओनर ने इस घर की डिमांड की है 1,20,00,000 रुपया, ठीक है, 1,20,00,000 रुपया डिमांड है। नेगोशिएट किया जा सकता है, इसमें कमी पेशी हो सकती है। बाकी मैंने अपना नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दे दिया है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।